गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9। द बुक, द नेम ऑफ द बुक, कंटेम्प्ररी इंडिया, एंड दिस इज द चैप्टर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। बी केयरफुल, वॉच एंड लिसन केयरफुली। दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग योर स्टडी, रिगार्डिंग योर एग्जाम एंड रिगार्डिंग योर नॉलेज। नाउ हियर वेरी फर्स्ट we will going to study about the introduction of this chapter. After that we will study about location, and then after we will study about the size of India. And this is compulsory, you would like to know about what is the longitudes and latitudes. Very first hum introduction dekhte hain, introduction mein kya likha hua hai, aapki book aap dekh lenge, theek hai? Chapter 1, India size and location. Now, India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. ठीक है कि 5 decades का मतलब दशक होता है बेटा, याद रखें। Decades को हम 10 साल का एक अंतर बोलते हैं, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि इंडिया के बारे में लिखा है कि इंडिया एंशियंट सिविलाइजेशन है, यानी बहुत पुरानी सभ्यता है भारत के बारे में उन्होंने कहा। और उन्होंने बोला कि इट अचीव मल्टी फैक्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, की बहुत सारे सोशियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया के अंदर हुए हैं लास्ट 5 decades की, पिछले 5 दशकों में, यानी लगभग 50 सालों का डाटा इन्होंने मेंशन किया है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. ठीक है, इन्होंने बोला कि इंडिया का जो प्रोग्रेस था वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। और इन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का वो सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कि वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास में अपनी जगह इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। वेरी फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट लोकेशन, व्हाट इज द मींस ऑफ लोकेशन, ठीक है, कि इंडिया की लोकेशन क्या है। अब लोकेशन की यदि बात करें तो हम लोकेशन को वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग देखा जाता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इसके लिए प्रीवियस क्लास में आपने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? उन्हीं के बेसिस से हम इंडिया की लोकेशन को फाइंड करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं, ठीक है? मैं बताता हूं, पहले आप इसको समझा दूं मैं पहले, ठीक है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फिगर 1.1, ठीक है? 1.1 फिगर पे आप देखेंगे वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, ठीक है? मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं, मैं पूरा का पूरा मैप मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है? तो यहां पर येलो कलर में छोटा सा इंडिया आपको दिख रहा होगा, देखिए आप लोग केयरफुली वॉच कीजिए, पहले मैं बताता हूं फिर, ठीक है? येलो कलर का इंडिया आपको दिख रहा होगा, ठीक? अब उसमें लिखा है कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, पहले सुन लें आप लोग। लैटिट्यूड्स 8 degree 4 minute नॉर्थ एंड 37 degree 6 minute नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 degree 7 minute ईस्ट एंड 97 degree 25 minute ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degree 30 minute नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट टू द साउथ ईस्ट द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन वे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड फ्रॉम योर एटलस, ठीक है? तो ये आपको मैप पहले आप देख लीजिए, यहां पर वर्ल्ड का मैप आपने क्लियरली देख लिया होगा, इंडिया की लोकेशन देख ली होगी, ठीक है? अब इस पर कुछ लाइंस बने हैं, आप उनको भी क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए, क्लियरली उन लाइंस को देखिए। कुछ लाइंस आपको आड़ी दिख रही हैं, कुछ लाइंस आपको खड़ी दिख रही हैं, ठीक है? मैं इनके बारे में अब बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है? जब ये मैप यहां से मैं हटा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आड़ी लाइंस और खड़ी लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है? इसके बाद लिखा है कि डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वॉटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, ठीक है? चलिए अब आप मैप देखिए, चलिए अब आपने जो मैप में देखा है, ठीक है, उसको मैं यहां पर बोर्ड में बना के बताता हूं और आपको समझा के बताता हूं कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में हम स्टडी कैसे करते हैं,
ठीक है। चलिए देखिए जरा मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये ग्लोब बनाते आना चाहिए। यहां पर आपको मैं लोकेशंस बताऊंगा इंडिया की, कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, एंड दिस इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, एंड हियर द सेंट्रल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, एंड जो पहला वर्ड आया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह नॉर्थ पोल होता है और यह साउथ पोल होता है, ठीक है। अब आपको यहां पर तीन चीजें दिख रही हैं, ठीक, कि यह गोला दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सॉरी नॉर्दर्न नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिख रहा है, और बीच में यह लाइन दिख रही है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर का मतलब बेटा एक एक काल्पनिक लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि स्टडी पर्पस के लिए बनाई गई है कि स्टडी हम कर सकते हैं। अब देखिए कि ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब, हेमिस्फीयर का मतलब भी गोलार्ध होता है, यानी आधा गोला, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर मेंशन हुई। अब इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विच लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां है बेटा, यहां पर है, तो हमको यहां पर चीजें मेंशन करनी होगी, ठीक है। नॉर्दर्न के साथ आपको यह बात याद रखनी है कि जो लाइंस खींची जाती हैं यहां पर, ठीक है, 90 लाइंस ऊपर होती हैं, ये हर एक डिग्री पर ये लाइंस खींची जाती हैं, ठीक है, एंड 90 लाइंस ये नीचे होती हैं। इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसी ही 90 लाइंस ये नीचे की तरफ ड्रॉ की जाती हैं, तो ये तो हमारा लैटिट्यूड बन गया, ठीक है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। एंड एक लाइन एक चीज और बोली आपसे, कि यहां पर लिखा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब जब बात करते हैं नॉर्थ में, तो आपको ये लाइंस याद रखनी है, ये इसको हमने इक्वेटर लिखा है, और ऊपर की लाइन को हम नॉर्दर्न नॉर्थ की लाइंस बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और नीचे की लाइंस को साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में है और ये साउथ पोल की तरफ आ रही है, ठीक है। ये बात याद रखें कि ऊपर की लाइंस नॉर्थ लैटिट्यूड्स और नीचे की लाइंस साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 23 एंड हाफ डिग्री 30 मिनट्स का मतलब हाफ डिग्री है, ठीक है। यहां पर है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम लाइन यहां पर 23 एंड हाफ डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं कि 23 एंड हाफ डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 एंड हाफ डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये प्रीवियस क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो लैटिट्यूड्स हैं, 90 लैटिट्यूड्स ऊपर की तरफ एंड 90 लैटिट्यूड्स नीचे की तरफ ड्रॉ की जाएंगी, ठीक है। अब लैटिट्यूड के साथ साथ हमको जानकारी होनी चाहिए लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स कैसे खींचे जाते हैं, सबसे पहले आप ये याद रखें कि टोटल ये लाइंस, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये आधे में दिख रहे हैं, हम गोले का एक पार्ट देख पा रहे हैं यहां से, ऐसी ही लाइंस ये जो है लाइंस हैं ये पूरे गोले को कवर करके रखती हैं, जैसे बेटा आपने किसी गेंद पर रबर को फोल्ड कर दिया हो या रबर को ऊपर से लगा दिया हो, रबर जो बाल में बांधने वाले जो रबर आते हैं, जब आप उसको ऐसे करके किसी भी गेंद के ऊपर आप ऐसे उसको फिट कर देंगे तो ये वही लाइंस हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, यानी गोल, पूरे गोले को ये गोल तरीके से बांध के रखती हैं, ठीक है। नाउ अब होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लोकेशन जानने के लिए दोनों ही लाइनों की स्टडी बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आप लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स बेटा ये याद रखें कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ड्रॉ की जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ की जाती हैं, और ये सेमी सर्कुलर होती हैं। ये लैटिट्यूड की जैसे सर्कुलर नहीं होती, लैटिट्यूड जो है वो पूरे सर्कुलर होते हैं। मैंने आपसे क्या बताया यहां पर, कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कुलर हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पोल से पोल की तरफ आती हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये सेमी सर्कुलर होते हैं, यानी आधे गोले पर होते हैं, इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स की संख्या लैटिट्यूड की संख्या से दुगनी होती है, ठीक।
और डिस्टेंस की बात करें तो हम किसी भी दो लैटिट्यूड को उठाकर देखें तो ऊपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से ऊपर आओ, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हर जगह समान होती है, बराबर होती है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो पोल पर किसी भी दो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस जो है वो जीरो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी इक्वेटर में, ठीक है, इक्वेटर में किसी भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक। चलिए अब आप ध्यान रखें कि जैसे यहां पर हर डिग्री पर लाइन खींची गई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते 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 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हम जाते हैं। ऐसे यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ तक जाते हैं हम, ठीक। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड को भी डिनोट किया जाता है, लॉन्गिट्यूड्स को भी लिखा जाता है। किसी 0 डिग्री की लाइन सेंटर में है, ठीक है, जब अपन टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में ही बता दूंगा आपको, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से होकर गुजरती है, ठीक है। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर की लाइन समझ के काम करते हैं अपन, तो इस तरफ का जो पार्ट होगा बेटा वही, बस आप याद रखें, आप मैप रीड कर रहे हैं समझ लें आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये लोकेशन आप याद रखें मैप के लिए, ठीक है। तो इस 0 डिग्री से इधर का जो पार्ट होगा वो ईस्ट कहलाएगा और इधर का जो पार्ट होगा वो वेस्ट कहलाएगा, ठीक। तो जैसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर पढ़ा, वैसे हम इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं, करेक्ट, ठीक। तो सेम कंडीशन इसकी यहां पर भी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते ये पूरे गोले पर एक साइड से 180 लाइंस होंगी ईस्ट की वेस्ट की तरफ और 180 लाइंस होंगी ईस्ट की तरफ, यानी सेमी सर्कुलर है इसलिए डबल लाइन बन रही है आधे गोले पर, ठीक है। तो 180 लाइंस ये हैं, 180 लाइंस वो हैं, यानी आप क्या कह सकते हो, आप जनरलाइज क्या कर सकते हो कि 180 आपको लैटिट्यूड्स दिख रही हैं यहां पर अभी, एंड 360 आपको क्या दिख रही हैं, 180 प्लस 180 360 आपको क्या दिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स दिख रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया की लोकेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आप याद रखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो बराबर भागों में काट रहा है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दिख रहा है 23.5। तो इंडिया की जो लोकेशन, ज्यादा मैं खास नहीं बता रहा, एक रफ डायग्राम के जैसे आपको वर्ल्ड के मैप पर दिख गया है, ठीक है, अपन ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं, कि ये हमारा इंडिया बन गया समझ लो आप, ठीक है। छोटा सा मैप सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब हम इसको लोकेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। वेरी फर्स्ट लिसन केयरफुली, इन्होंने बोला है कि द मेन लैंड एक्सटेंट बिटवीन लैटिट्यूड, सबसे पहले हम लैटिट्यूड देखेंगे, तो लैटिट्यूड की बात आती है कि इंडिया का जो सबसे नीचे का पॉइंट है वो किस लैटिट्यूड में है और सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो किस लैटिट्यूड में टच कर रहा है, ठीक है। ये एक्सटेंट होता है इंडिया का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बोलते हैं हम इसको, कि लैटिट्यूडनल विस्तार कितना है इंडिया का। तो बुक में देखेंगे अब क्लियरली लिखा हुआ है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी ये जो नीचे की लाइन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इस मिनट का मतलब भी मैं आपको बता दूंगा, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर, यानी ये जो लाइन, ये जीरो से अपन ऊपर गए यानी 8 डिग्री तक पहुंचे, ठीक है। अब ऊपर जाते जाएंगे तो बहुत सारे लैटिट्यूड बीच से निकल रहे हैं और सबसे ऊपर का जो बॉर्डर है इंडिया का वो टच होता है, यहां पर लिखा हुआ है कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ठीक। ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हुआ इंडिया का, ठीक, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हुआ। अब इसी तरीके से एक बॉर्डर इंडिया को टच करता है जो कि लॉन्गिट्यूड से बेटा, तो एक यहां से टच कर रहा होगा लॉन्गिट्यूड और एक यहां से टच कर रहा होगा लॉन्गिट्यूड, तो इनका भी डिस्टेंस हमको देखना है कि कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड इंडिया को यहां से टच कर रहा है और कितनी डिग्री का लॉन्गिट्यूड यहां से टच कर रहा है। तो याद रखें जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारी लाइंस को, सारे लैटिट्यूड्स को नॉर्थ लैटिट्यूड लिखते हैं, तो जब हम इधर की तरफ जाते हैं इस 0 डिग्री से, तो इधर के जितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे हम उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स लिखेंगे और इधर के जितने लैटिट्यूड होंगे हम उसको वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स लिखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है इंडिया का, कि लॉन्गिट्यूड में इंडिया को कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे आपको समझ में आया कि 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन ये है, 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे इंडिया का, कि यहां से जो टच होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, सबसे पहले लिखा है कि एंड लॉन्गिट्यूड
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये जो एक्सटेंशन है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो इंडिया का एक्सटेंशन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सबसे पहले लॉन्गिट्यूड हमने देखा, फिर उसके बाद सॉरी लेटिट्यूड देखा, फिर उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन देखा इंडिया का, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, तो हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब आगे लिखा था कि टू द साउथ, फिर लिखा है कि डिवाइड्स द कंट्रीज इक्वल टू पार्ट्स, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दो और आइसलैंड के बारे में इन्होंने बोला कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, ठीक है। दोनों जब आप देखेंगे, तो जब हम इंडिया का मैप पढ़ेंगे, इंडिया की स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इनकी लोकेशंस कहां कहां पर है, ठीक। इसके बाद हम जो देखेंगे वो साइज देखेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आप इन लाइंस को अच्छे से देखें, आइडेंटिफाई करें, इनके बारे में पढ़ें, ठीक है, तो और आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।